बिक्री कर, सेल्स टैक्स। मनीष व साहिल ने दुकान से कुछ सामान खरीदा। दुकानदार ने उन्हें बिल दिया। वे दोनों उस बिल को ध्यान से देखने लगे। ये बिक्री कर क्या होता है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर जो सरकार टैक्स लगाती है ना, उसे हम बिक्री कर कहते हैं। उदाहरण 3। राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2,700 रुपए में खरीदा। बिक्री कर के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण 3। हल। प्रश्न में कूलर के लिए 8% बिक्री कर सहित मूल्य दिया हुआ है 2,700 रुपए क्रय मूल्य। हम पहले समझ लें कि 8% बिक्री कर का अर्थ क्या है। 8% बिक्री कर का अर्थ होगा, कर का अर्थ यह है कि यदि बिक्री कर रहित मूल्य कितना हो जाए, मूल्य ले लिया जाए 100 रुपए, तो हम कहेंगे तो बिक्री कर सहित मूल्य कितना होगा। आपने 100 रुपए बिक्री कर रहित मूल्य है और 8 रुपए उसका दर है, तो क्या कहेंगे, बिक्री कर सहित जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 108 रुपए। अब यदि बिक्री कर सहित मूल्य कितना है, 108 रुपए है, तो उस स्थिति में वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपए, जैसे हमने लिया हुआ है। वास्तविक मूल्य 100 रुपए, तो इस स्थिति में जब बिक्री कर सहित मूल्य कितना रहेगा, कितना दिया है हमारे प्रश्न में, 2,700 रुपए, तो बिक्री कर सहित मूल्य 2,700 रुपए हो तो वास्तविक मूल्य का कितना हो जाएगा, हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब वास्तविक मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य बराबर 100 बटे 108 गुणित 2,700। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2,500। इस प्रकार वस्तु के लिए बिक्री करके जोड़ने से पहले का कूलर का मूल्य कितना हो गया, 2,500 रुपए, और ये प्रश्न हल हुआ। वास्तविक मूल्य बराबर 2,500 रुपए। करके देखें। पहला, जब भी आप अपने परिवार के साथ खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं तो बिल लेते समय दुकानदार आपसे किन किन वस्तुओं की खरीदारी पर बिक्री कर लेता है उसकी सूची बनाएं। बाद में अपनी कक्षा में साथियों से चर्चा करें। दूसरा, आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, यदि उस सामान पर 10% की छूट हो तथा 5% बिक्री कर देना हो तो उस सामान को खरीदने में आपको इनमें से किस स्थिति में फायदा होगा। पहला, 10% की छूट लेकर 5% बिक्री कर देने में। दूसरा, 5% बिक्री कर देने के पश्चात 10% की छूट लेने में।